समझ के बैठे तू जवाब समझ के बैठे मिलेंगे किसी मोड़ पे जो बाकी होगी कभी चलो आ रोएगा कोई तुम्हारे लिए तुम्हारी तरह ना मांगेगा कोई वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन पर और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल सैड स्टेटस वीडियो हम क्रिएट करेंगे। इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। गाइस अभी के समय में इस टाइप का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जैसे कि व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, मतलब हर जगह भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अगर आपको भी क्रिएट करना है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो से इस टाइप का सैड स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। गाइस अगर आपके फोन में इनशॉट एप्लीकेशन है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो नजर वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन मिलेगा, बीच में देख सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं सबसे पहले यहाँ पे सैड फोटो को यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेमो के लिए ये फोटो को ऐड कर लिया हूँ। अगर आपको ये फोटो पसंद नहीं है तो आपको आप अपने फोटो को ऐड कर सकते हो या फिर गूगल से आप कोई भी मनपसंद सैड फोटो को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको फर्स्ट पे कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हुए यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे रेशियो देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हो चुका है। एंड अब क्या कि नहीं, यहाँ पे फोटो के ऊपर कुछ भी आपको सैड शायरी या फिर कुछ भी आपको सैड जैसा लिख लेना है। तो लिखने के लिए यहाँ पे आपको टूल्स को थोड़ा स्लाइड करना है, टी वाला ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते आपको गूगल या फिर क्रोम में जाना है और सैड गूगल या फिर क्रोम में आपको बहुत सारा सैड शायरी मिल जाएगा, आपको वहां से कॉपी कर लेना है और आपको इस जगह पे पेस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से। देख सकते मैंने पहले से ऑलरेडी किया हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है। एंड अगर आपको इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे बगल में कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारा आपको कलर देखने के लिए मिलेगा, जो पसंद है वो कलर को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मुझे व्हाइट पसंद है तो व्हाइट को हम सिलेक्ट कर लिए हूँ। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट के ऊपर आपको बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे बॉर्डर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप बॉर्डर को भी ऐड कर सकते हो। और बॉर्डर का ओपेसिटी आपको इस तरह से बढ़ा लेना है नीचे में, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको लेबर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते आपको ये व्हाइट बॉर्डर को यहाँ पर ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐड हो चुका है, देख सकते हो ऊपर में इस तरह से। एंड अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉन्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे डबल ए वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा फॉन्ट देखने के लिए मिलेगा, जो पसंद है वो फॉन्ट को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना चाहते हो अलग अलग फॉन्ट तो यहाँ पे आपको शॉप वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे बहुत सारा आपको देखने के लिए मिलेगा फॉन्ट, तो आपको जो पसंद है वो फॉन्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो मुझे यही वाला फॉन्ट अच्छा लगता है और यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेता हूँ और ऊपर में इस तरह से सेट कर लेता हूँ इस जगह पे, ठीक है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये इमेज को सेव कर लेता हूँ। तो ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे सेव हो जाएगा मेरा इमेज। एंड अब क्या करना है, यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जिसका नाम है मोशन लैब। ये एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगा, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से इस एप्लीकेशन का मोड वर्जन डाउनलोड कर लेना है। मोशन लैब का मोड वर्जन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने ये एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू क्रिएशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते जो फोटो अभी आप सेव किए थे उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ऐड कर लेना है। देख सकते हो यहाँ पर मेरा ऐड हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको नीचे में बहुत सारा आपको टूल्स नजर आएगा, तो आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में सबसे पहले जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे ES1 जो इफेक्ट है इसको अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरह से, और नीचे में इस तरह से स्लाइड करना है और आपको ये इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है ES01 को, ठीक है। एंड आपको बैक आना है कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर टूल्स को थोड़ा स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद ओवरले वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे ES01 अगर आपको इसी नाम का एक इफेक्ट मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ES01, तो आपको ये इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे तितली वाला। एंड यहाँ पे आपको बैक आना है, बैक आने के बाद अगर आपको ये टूल्स को थोड़ा स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद यहाँ पे कैमरा एफेक्ट्स वाला ऑप्शन में आना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ
FX04 को आपको अप्लाई कर लेना है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा फोटो यहाँ पे मूव होने स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है एंड आपको यहाँ पे बैक आना है। बैक आना है, बैक आने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे वीडियो के ऊपर म्यूजिक को ऐड करना है। तो म्यूजिक को ऐड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बीट लॉक्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं माय बीट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, प्लस वाला आइकन में जाकर और आपको यहाँ पे इस ऑडियो को ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो देख सकते हो मेरा जो ऑडियो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से ऐड कर लेना है एंड आपको यहाँ से बैक आना है इस तरह से। सो देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है एंड अब क्या करना है, वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे गैलरी में मतलब फोन में। तो इस तरह से आप वीडियो को बना सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लेना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह और मैं मुझे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।